गोपागंज नगर क्षेत्र के भातकोल मोड़ के आगे नयापुरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन सड़क के अतिक्रमण को लेकर लगभग 60 मीटर कार्य बाधित होने की सूचना पर सदर SDM आनंद कन्नौजिया और लोक निर्माण विभाग के AE दीपक केसरी उक्त स्थल पर पहुँच निरीक्षण किया। वही स्थानीय लोगों ने बात किया तथा समाधान निकालने की कोशिश किया। वही लोक निर्माण विभाग जैसे तैसे कार्य पूर्ण करने की बात कही, लेकिन SDM के हस्तक्षेप के बाद अगली बैठक दोनों पक्षों के बीच होगी और सहमति के बाद जल्द सड़क निर्माण होगा। कोपागंज से भातकोल तक 36 लाख रुपए से 18 किलोमीटर सड़क 7 मीटर चौड़ी तथा दोनों तरफ नाली निर्माण मानक के अनुरूप कराया जाना था, लेकिन कोपागंज कस्बा के नयापुरा में अतिक्रमण के चलते कार्य रुक गया। लोगों ने विरोध करते हुए उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत कराया तो राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर आकर अतिक्रमण युक्त मकान की निशानी कराए और लोगों को एक महीने का समय देकर खाली कराने का निर्देश दिया था, लेकिन मामला जस का तस ही रह गया। मंगलवार को जैसे ही सदर SDM और लोक निर्माण विभाग के जब मौके पर पहुंचे तो आसपास के मकान स्वामी भी पहुंच गए, जिनकी मकान अतिक्रमण की जड़ में आ रही है। SDM ने लोगों से बात किया तो मकान स्वामी कहने लगे कि अगर मकान तोड़ी जाएगी तो उसके एवज में कहीं जमीन दिया जाए। सदर SDM ने उनकी मांगों को खारिज कर दिया कि सरकारी पैसा सड़क के लिए आया है, आवास के किए नहीं आया है। सदर SDM नव कहा कि जल्द ही दोनों पक्षों को बुलाकर समस्या को हल कर लिया जाएगा। वही लोक निर्माण पास की नाली लेकर निर्माण की बात कह रहा है कि जल्दी कार्य समाप्त किया जाए। वही जहां पर अतिक्रमण है वहां सड़क 3.5 से 5.5 मीटर की चौड़ी बनी हुई, जो मानक के पूर्ण विपरीत है, जिसको लेकर लोगों ने उच्चाधिकारियों के साथ नगर विकास मंत्री को मामले से अवगत कराया था। SDM ने अगली बैठक में दोनों पक्षों सहित नगर अधिशासी अधिकारी को बुलाने की बात कही है।